क्लास 11th में NCERT एक्सरसाइज 5.1 सॉल्यूशन पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है 5i (-3/5i) मल्टीप्लाई करिए इसको i तो 5 (-3/5 i स्क्वायर हो गया बराबर 5 स्क्वायर कट गया -3i² की वैल्यू कितनी होती है बराबर कितना हुआ 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमने कहा 4 से भाग दे दीजिए 9 में, 9 में किससे भाग दीजिए 4 से, 4 × 2 = 8 एक आया हाँ, यानी ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं आई पावर 4 × 2 = e लिख सकते हैं प्लस 4 × 16 क्या चौके 16 आई पावर 4 × 4 = 3 कर सकते हैं। तो इसकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आई पावर 4 वैल्यू आई ना यस सर नहीं सारी अभी ऐसे नहीं करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं आई पावर 4 × 2 ना प्लस आई सॉरी इंटू आई कर सकते हैं yes, sir. इसको क्या लिखेंगे प्लस आई पावर 4 × 4 × i³ ना इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये आई हो जाएगा प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आई पावर 4 वैल्यू 1 फिर 1 पावर 4 1 फिर i³ ठीक है। जरा आई कॉमन लेता हूँ 1 + i² हो गया बोले यार तो i² का मान कितना होता है -1 i × 0 दैट्स व्हाट 0। इसको देखता हूँ 1/i^39 ना 39 में 4 का भाग देते हैं 36 ना इसको लिख सकते हैं बराबर क्या 1/i^4×9 या पावर 9 कर दे इसको कोई दिक्कत नहीं ऐसे 4×9 + 3 ये ना बराबर 1/i^4 (9×i³ कोई दिक्कत 1/1 इसका मान कितना हो जाएगा 1 × i³ को i² × i कर सकता हूँ 1/-1 × i मतलब 1 - 1/i जरा इसका आंसर देखो तो क्वेश्चन में एक मिस्टेक है हमको a + ib के रूप में लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 to 10 a + ib के रूप में आंसर देना है यहाँ 3 आया था 3 + i 0 लिख दिया यहाँ 0 था तो 0 + i 0 लिखा यहाँ भी आंसर नहीं मिल रहा है आंसर क्या मिलेगा a + ib के रूप में आ ही नहीं रहा है ये ना ये काम करते हैं आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ठीक तो क्या हो जाएगा -i/i² बराबर -i/-1 बराबर क्या आ गया आई ठीक तो आंसर क्या होगा 0 + i या i1 लिख दो a + ib के रूप में b = 1 हो जाएगा ना या 0 + i लिखो ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 3 भाई a + ib के रूप में ही लिखना है हमको ना ध्यान देना है
तो ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 21 प्लस आई 21 है ना, प्लस आई 7 प्लस आई स्क्वायर 7। चलो 21 प्लस आई 21 आई 7 आई 28 बोलो भाई, आई स्क्वायर मान कितना होता माइनस 1 माइनस 7 तो 14 प्लस आई 28 इसका आंसर हो गया ए प्लस आई बी के रूप में। ठीक है, अब ये देखिए इसको भी 1 माइनस आई ठीक ब्रैकेट तोड़िए तो प्लस 1 माइनस 6 आई है कि आई 6 है, आई 6 है ना, हाँ माइनस आई 6। चलो भाई ये कैंसिल हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो माइनस आई 7 आंसर हो गया, हो गया ना। आइए यहाँ तोड़िए 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4 माइनस आई 5/2। एक काम करते हैं रियल नंबर को एक साथ ले लेते हैं 1/5 माइनस 4/1 हाँ प्लस आई काम लेता हूँ 2/5 माइनस 5/2 ओके। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 19/5 बोलो भाई प्लस आई 2×4 = 25, 25×4 = 21 माइनस 21/10 ठीक तो बराबर हुआ माइनस 19/5 माइनस आई 21/10 नोट करें प्लीज। यहाँ 1 + 1 = 2 होगा 2 - I 7 ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 - I/4 ठीक है। तो पहले मैं करता हूँ इसका 1 - I² पूरे पावर 2 कर देता हूँ, कोई दिक्कत फार्मूला मिल गया 1 + I² - 2I² हो गया ना। 1 - 1 - 2I² ये क्या हो गया जीरो, क्या हो गया जीरो मतलब माइनस 2I² बराबर क्या हो गया 4I² - 4 बराबर क्या हो गया ये माइनस 4 + I हुआ ठीक। चलिए इसको देखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब के रूप में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB ए प्लस बी तो बराबर क्या हो जाएगा 1/3 3 प्लस 3I³ प्लस 3×1/3×3I कोष्ठक में 1/3 + 3I ओके। तो ए हो गया 1/27 हुआ और प्लस 3×9 = 27I³ 3 से 3 कट गया प्लस 3I 3I × 1/3 करो तो I प्लस 9I² हुआ। चलो 1/27 प्लस 27
आई स्क्वायर इंटू आई, इसको छोड़ सकते हैं, प्लस आई प्लस नाइन गुणे माइनस वन। चलो भाई ये माइनस नाइन है ना, बोलो वन अपॉन 27 माइनस नाइन, ओके प्लस ये आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस 27 आई, बोलो भाई प्लस आई, इसको हल कर लेता हूँ, एलसीएम 27 होगा वन और 963 को तीन हाथ से लगा छः, नौ 18 18 छः हुआ माइनस 26 आई। चलो तो कितना हो गया भैया माइनस 242 अपॉन 27 माइनस 26 आई, लिखो चाहे आई 26 लिखो, बात यही है, वैसे फॉर्म लिखने के लिए आई 26 ही लिखना चाहिए, ठीक है। इजरा आंसर मिलाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करें, डू योर सेल्फ। इसके बाद है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 30, ठीक है। पता दिया है आपको क्या क्वेश्चन है, 4 - 3 है, जिसको मैंने मान लिया कि क्या जेड इज इक्वल टू 4 - 3। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z होता है, ये बराबर क्या हो जाएगा 1/4 - 3i। आप क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 + 3i से बताया गया है आप लोगों को 4 + 3i, क्या हुआ 4 + 3i ऊपर हो गया, अब a + b a - b, तो 4 ^16 - 9i² बराबर क्या होगा 4 + 3i 16 + 9 हो जाएगा, ये आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है, तो 4 + 3i / 25। अगर ये प्लस आई बी के रूप में लिखना है क्या लिखेंगे 4 / 25 + 3i 3/25, ठीक है। अब यह देखिए फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इसका टू 1/z, बोलो भाई दैट्स व्हाट 1/√5 + 3i। क्या करेंगे अब ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 √5 - 3i / √5 - 3i, तो ऊपर तो 5 - 3i होगा, ये नीचे वर्गांतर, तो 5 - 9i² आई स्क्वायर मत 5 - 3i / प्लस हो जाएगा ना 14, इसको वाला कर सकते हैं 5 / 14 - i 3/14, ए प्लस आई बी के रूप में, ठीक है। इसका कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ जेड 1/z 1/0 - i, तो 0 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, ऊपर क्या हो जाएगा आई, नीचे क्या हो जाएगा -i² हाँ बोलो, तो प्लस वन हो जाएगा बराबर आई बराबर 0 + i, ठीक है। नोट इट प्लीज, यहाँ मिस्टेक है, 4 नहीं बल्कि 14 है ये। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसको a + ib के रूप में लिखना है, हालांकि हम हर क्वेश्चन को a + ib के रूप में आंसर देते आए हैं, हर क्वेश्चन का आंसर देखो a + b a - b ना, तो सीधे क्या हो जाएगा 3 ^2 - 9 - i² 5 ना,
अपान इस ब्रैकेट को तोड़ो अंडर रूट थ्री प्लस आई रूट टू माइनस थ्री प्लस आई रूट टू ये थ्री है ये भी अंडर रूट थ्री है। एक सेकंड लेट मी सी द क्वेश्चन। यस अंडर रूट थ्री है यहाँ हमने गलत लिखा है अंडर रूट थ्री है ये तो क्या आ जाएगा अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री प्लस आई रूट टू तो ये तो कट गया बेटा इससे इससे क्या हुआ आई स्क्वायर वन कितना होता माइनस वन क्या हो गया नाइन प्लस फाइव अपान आई रूट टू आई रूट टू कितना हो गया एक्स प्लस एक्स टू एक्स टू रूट टू आई ठीक है। एक काम करो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 14i बोलो भाई नीचे टू रूट टू आई स्क्वायर आई स्क्वायर मान कितना होता है माइनस एक बराबर 14i अपान माइनस टू रूट टू इसको हम लिख सकते हैं जीरो प्लस 14i अपान टू रूट टू बराबर जीरो प्लस 14 अपान टू रूट टू आई ठीक है। या इसको ऐसे बहुत जगह है लिखता जीरो प्लस टू से बन जा सेवन अपान रूट सेवन अपान आई आई सेवन अपान रूट टू सेवन अपान रूट टू ठीक है। या रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया होगा तो क्या फर्क पड़ता है ठीक। ये आपका हो गया आंसर और आपका चैप्टर ये समाप्त हुआ। यहाँ माइनस है भाई माइनस ये क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ठीक।